माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एनिमल किंगडम का जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल जो पढ़ा था उससे आगे, कल आपको मैंने सिलोम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, देह गुहा के बारे में। आज अपन उसी से आगे पढ़ेंगे और ये बायोलॉजिकल टर्म जो हैं काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म्स इसमें देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक इज द पैसेज वेयर फूड इज टेकन फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक वह रास्ता है जहाँ से फूड को पाचन के लिए लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, जो भी अपच भोजन बचता है ना, उसको एलिमिनेट करते हैं, मतलब बहिष्करण जिसे बोलते हैं हिंदी में ना, तो उसको एलिमिनेट करने का एक रास्ता है, ठीक है। नीडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ ए सिंगल ओपनिंग, ठीक है। जो नीडेरियंस और चपटे कर्मी हैं उनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ट्रैक होता है, वह सिंगल ओपनिंग के साथ होता है। सिंगल ओपनिंग टर्म माउथ डेड टेक फूड्स एज वेल एलिमिनेट द डाइजेस्ट अनडाइजेस्टिव फूड, ठीक है। जिसको अपन माउथ बोलते हैं, और वह क्या करता है, भोजन को लेने का काम भी करता है। इसी प्रकार जो अपच भोजन होता है उसको एलिमिनेट करने का काम भी उसी का होता है, ठीक है, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, इस प्रकार का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं या अपूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपूर्ण। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ मैनी एनिमल्स हैज टू ओपनिंग्स, कई सारे जीवों में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसको आहार नाल बोलते हैं हिंदी में, उसमें टू ओपनिंग होती है, कितनी, टू, माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, माउथ जो होता है फूड को अंदर लेने के लिए, एंड द एनस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फिकल मैटर, ठीक है। अब माउथ जो होता है इंटेक फूड को अंदर लेने के लिए, और एनस जो होता है एलिमिनेट करने के लिए होता है फिकल मैटर, ठीक है। सच ए डाइजेस्टिव ट्रैक टर्मेट कंप्लीट, ठीक है, इस प्रकार का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको कंप्लीट बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन राउंड वर्म्स टू हायर एनिमल, है ना, मतलब मेमल्स तक, सभी एनिमल्स में इस प्रकार का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। राउंड वर्म से लेकर मेमल्स तक जो हैं इस प्रकार का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसमें टू ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, गोल कर्मी से लेकर हायर एनिमल तक, ठीक है। अब देखते हैं अपन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, मतलब पाचन हिंदी में बोलते हैं। डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये जो हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है, इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इनको साधारण कार्बनिक पदार्थों में चेंज किया जाता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है, जल अपघटन द्वारा। डाइजेशन इज टू टाइप, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। डाइजेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय, ठीक है। अंतःकोशिकीय मतलब जो कोशिका के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा मतलब कोशिका के बाहर। आगे देखते अपन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए इसमें देखते हैं अपन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब विषम पोषी पोषण, हेटरोट्रोप्स मतलब विषम पोषी, इज एन ऑर्गेनिज्म डेट के नॉट use organic material to synthesize the inorganic material to synthesize organic, ठीक है। ये हेटरोट्रोप्स क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर पाते, ठीक है। कंपाउंड नीडेड टू ग्रोथ बट ऑप्टेन बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कंपाउंड जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं उनको ऑप्टेन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, फीडिंग के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और देयर प्रोडक्ट्स या उनके प्रोडक्ट्स से, ठीक है, लाइक प्लांट प्रोडक्ट, एग्जांपल कार्निवोर, ठीक है,
हर्बीवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट स्कैवेंजर एंड स्पेरोफाइट। ठीक है, ऑल एनिमल फंगी एंड मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, सभी प्रकार के जीव फंजाई एंड मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस प्रकार का जिसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी भी अन्य अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट पर डिपेंड रहता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। धन्यवाद।